स्टार बल्लेबाज बाबर आजम से नाइंसाफी होने लगी। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आईसीसी पर इल्जाम आयद कर दिए और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तानी कप्तान का दुश्मन करार दे दिया। साबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी बासित अली ने आईसीसी की नई रैंकिंग पर तनकीद करते हुए कहा कि बाबर आजम ने अपना आखिरी वनडे मैच वर्ल्ड कप के दौरान खेला था, जहां वो सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे, जबकि इस दौरान दीगर बैटर्स जिनमें राचिन रविंद्रा, क्विंटन डीकॉक, ट्रेविस हेड और विराट कोहली शामिल थे, उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन वो रैंकिंग में नीचे हैं। बासित अली ने कहा कि गवर्निंग बॉडी जानबूझकर बाबर को नंबर वन की पोजीशन पर रख रही है ताकि वो मजीद बेहतरी के लिए मेहनत न करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।